हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लिए मैं आप बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जीएसटी ऑडिट की। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी ऑडिट क्या होता है, किसे फाइल करना है और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी क्या होता है, उसका रूल क्या है, सेक्शंस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आता बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 35(5) सब सेक्शन 5 क्या कहता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आज का इस लेक्चर है जीएसटी ऑडिट। जीएसटी ऑडिट का सेक्शन है 35 सब सेक्शन 5। तो यहाँ पर दिया गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु टर्न ओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बाय द सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पर सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आपका ड्यूरिंग टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब्ड लिमिट एक नक्की की हुई है, उससे आगे अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आप जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके नीचे रूल 18 सब सेक्शन 3 हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कितनी है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर बताया है। रूल 18 सब सेक्शन 3, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीड टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीज 2 करोड़ रुपीज शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड एंड फर्निश अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म GSTR 9C इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पर ऊपर सिर्फ टर्नओवर बताया गया था और नीचे यहाँ पर बताया है एग्रीगेट टर्नओवर। हम इसके बाद देख लेते हैं आगे भी कि एग्रीगेट टर्नओवर किसे कहते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है तो आप जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। और जीएसटी ऑडिट के लिए उसका फॉर्मेट जो है वो GSTR 9C है। और जीएसटी ऑडिट कौन कर सकता है, तो जीएसटी ऑडिट को यहाँ पर ऊपर बताया कि सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ही जीएसटी का ऑडिट कर सकते हैं। इसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर की हम यहाँ पर बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर में कौन कौन सी ये टैक्सेबल, कौन कौन सी सेल्स और सप्लाई का इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब हमारी जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है उसका इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्प्ट सप्लाई, जितनी भी हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाई है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सपोर्ट का जो भी हमारा एक्सपोर्ट है वो गुड्स एंड सर्विस का भी इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद इंटर स्टेट सप्लाईज, हमारे इंटर स्टेट में जो भी सप्लाईज की हमने उसका भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद एक एग्जांपल के तहत हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पर मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो बिजनेस चलाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। उनके दो बिजनेस चलते हैं, एक महाराष्ट्र में और गुजरात में है। वो टैक्सेबल सप्लाईज भी करते हैं, एग्जाम सप्लाई भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसका इनका टर्नओवर है 1.5 करोड़ महाराष्ट्र में और 5 लाख गुजरात में। तो आप इसका कमेंट में मुझे आंसर दीजिए कि क्या ये जीएसटी एप्लीकेबल,
जीएसटी ऑडिट इस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। चलिए जल्दी से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दीजिए ताकि मैं भी आपको आगे समझा सकूं। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। तो मैं आपको बता ही देता हूं कि टोटल टर्नओवर जीएसटी ऑडिट में टोटल टर्नओवर को हमें ध्यान में लेना होता है। महाराष्ट्र का टर्नओवर है 1.5 करोड़ और गुजरात का टर्नओवर है 5 लाख। दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा ये जो मिस्टर एक्स का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ का हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स को जीएसटी ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जीएसटी ऑडिट क्या होता है, किसे कहते हैं। थोड़ा बहुत आपका क्लियर माइंड क्लियर हो गया होगा। आप छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, आगे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।